जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने से पहले आज के दिवस की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। आज से श्री जी में श्रावण मास की सेवा प्रारंभ हो रही है। हिंडोलना रोपण आज है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज से श्री जी में श्रावण मास की सेवा प्रारंभ होती है, जो प्रभु इच्छा से गुरु कृपा के माध्यम द्वारा विरह से संयोग प्राप्ति के आनंद की क्रियात्मक सेवा है, जिसमें प्रभु गुरु और जीव संयोगावस्था में परमानंद का उत्सव मनाते हैं, जो क्रियात्मक सेवा में झूलने व झूलाने की क्रिया के रूप में दृश्यमान होता है। लौकिक में भी प्रिय व प्रियतम के झूलने की क्रिया कितना आनंद प्रदान करती है हम भली भांति जानते हैं। पुष्टि में इसके बहुत गूढ़ भाव हैं, जिनको जानने तथा प्राप्त करने के लिए गुरु कृपा आवश्यक है। श्रावण मास की इसी सेवा के साथ हिंडोरा रोप्यो नंद आवास, माई री तेसोई सावन, झूलत रंग हिंडोरे राधा, आई ब्रजनार रंग मचो सिंह द्वार, गोविंद स्वामी के इन पदों की भावना के साथ पुष्टि सेवा प्रणालिका में हिंडोलना की सेवा प्रारंभ होती है। यहाँ हिंडोलना और पलना दो समान भाव साधन हैं, परंतु दोनों में मुख्य भेद है कि पलना बाल भाव का प्रतिनिधित्व करता है, तो हिंडोलना श्री प्रभु व श्री स्वामिनी जी के प्रीत भाव का प्रतिनिधित्व करता है। पुष्टि सेवा प्रणालिका में हिंडोलना के अनेक प्रकार हैं, मुख्यतः चांदी सोना के हिंडोलना, पुष्पों पल्लवों फलों के हिंडोलना, वस्त्रों तथा घटा भाव के हिंडोलना, जिसमें लहरिया आदि के हिंडोलना विशेष होते हैं। यहीं सूखे मेवा का हिंडोलना, कांच का हिंडोलना, केला के तना तथा पत्तियों का कलात्मक हिंडोलना, सीप आदि का हिंडोलना, मणि मोतियों का हिंडोलना, मयूर पक्ष का हिंडोलना, चुनरी का हिंडोलना आदि मुख्य रूप से होते हैं। हाँ, हिंडोलना में भी दो प्रकार हैं। एक सुरंग हिंडोलना है, जिसमें डंडी खम्भ पटुली आदि का उपयोग होता है। वहीं एक हिंडोरा आता है मचकी का, जिसमें पेड़ पर रस्सी बांधकर पाटली बांधकर झूलने का भाव है। इस प्रकार के हिंडोलना में अधिकांशतः पत्तियों तथा पुष्पों का ही भाव रहता है। आइए श्री जी की सेवा में आज के दिन की विशेषताओं के दर्शन कर लेते हैं। आज उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदल माल बांधी जाती है। प्रातःकाल प्रभु के शंखनाद के पश्चात सर्वप्रथम सिंहासन, चरण चौकी, पड़घा, झारी जी, बंटा जी आदि सभी साज चांदी के बड़े कर सोने के श्री ठाकुर जी के सन्मुख रखे जाते हैं। केवल दो गुलाबदानी माटी के झारी जी तथा पड़घा एवं त्रष्टि जी चांदी के रहते हैं। चंदन बरनी पर श्वेत के स्थान पर लाल वस्त्र चढ़ाया जाता है। पंखा, चंदवा, लाल मखमल के और टेरा आदि साज रंगीन साजे जाते हैं। चारों समय मंगला, राजभोग, संध्या व शयन में आरती थाली में की जाती है। आज से आरती के दो खंड सजाए जाते हैं। झारी जी में दिन भर यमुना जल भरा जाता है। मंगला भोग के पश्चात ठाकुर जी को चंदन आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। श्री जी को भोग सेवा के तहत गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से चारोली, जिसे हम चिरंजी भी कहते हैं, के लड्डू एवं केसरी बासुंदी की हांडी का भोग अरोगाया जाता है। राजभोग में दाग का रायता, सखड़ी में मीठी सेव व केसर युक्त पेठा अरोगाए जाते हैं। संध्या आरती के समय हिंडोलना रोपण के पश्चात उत्सव भोग अरोगाए जाते हैं।
उष्णकाल की विदाई और श्रावण मास के आरंभ के साथ आज से लुचई अमरस बंद हो जाते हैं एवं चूरमा बाटी मान भोग अथवा सीरा गेहूं के आटे और मूंग की दाल का विशेष रूप से प्रभु को अरोगाना प्रारंभ हो जाता है। श्रावण के सोमवार में मनोरथी हुए तो चूरमा बाटी विशेष रूप से अरोगते हैं। चलते चलते यह भी समझ लें कि चूरमा बाटी की सामग्री चार प्रकार की होती है जो बाल भोग सखड़ी दूधघर एवं शाक घर में सिद्ध होती है। कुछ घटनाक्रमों पर आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। यह श्रावण कृष्ण पक्ष दूज रविवार 25 जुलाई 2021 की प्रस्तुति है और प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करें तो आज साज सेवा के तहत श्री जी में लाल रंग की मलमल की सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया के ऊपर सफ़ेद बिछावट की जाती है। आज से चरण चौकी के ऊपर सफ़ेद बिछावट नहीं की जाती है। सिंहासन चरण चौकी पड़घा झारी जी बंटा जी आदि जड़ाव सोने के रखे जाते हैं। मात्र दो गुलाबदानी माटी के झारी जी का पड़घा एवं दृष्टि जी चांदी के रहते हैं। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी के ऊपर हरी मखमल मड़ी हुई होती है। वहीं वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल रंग की मलमल का सुनहरी लप्पा का पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र पीले रंग के होते हैं। श्रृंगार सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। आज सभी आभरण उत्सव के हीरा के धराए जाते हैं। नीचे पदक ऊपर हीरा पन्ना मानक मोती के हार माला दुलड़ा धराए जाते हैं। कस्तूरी कली आदि की मालाएं धराई जाती हैं। श्री मस्तक पर लाल हरी बाहर की खिड़की की छज्जेदार पाक के ऊपर सिर पेच लूम मोर पंख की सादी चंद्रिका एवं बाई ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मानक के चार कर्णफूल धराए जाते हैं। रंग बिरंगी पुष्पों की दो माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी हीरा के वेणु जी एवं वैत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में पट उत्सव का गोटी सोने की जाली की आती है। आरसी श्रृंगार में प्रभु को चार झाड़ की एवं राजभोग में सोने की डांडी की दिखाई जाती है। आइए एक और जानकारी साझा करते हैं। आज से भाद्रपद कृष्ण द्वितीया अर्थात आगामी 32 दिवस तक प्रतिदिन प्रभु संध्या आरती में हिंडोलने में झूलते हैं। इन दिनों प्रतिदिन नित्य नवीन रंग के साज धराए जाते हैं। सोने के जड़ाऊ पंखा बंटा आदि आते हैं। प्रथम दिन श्रवण नक्षत्र में श्री जी की डोल तिवारी में रजत हिंडोलना रोपित किया जाता है और शास्त्रोक्त विधि विधान के अनुसार हिंडोलना का अधिवासन किया जाता है। चांदी को शुभ माना गया है अतः डोल तिवारी में पहले दिन चांदी का हिंडोलना रोपित किया जाता है जिसके ऊपर ही विभिन्न मनोरथों में फूल पान फल फूल आदि की कलात्मक सज्जा की जाती है। हिंडोलना के नीचे आसन बिछाया जाता है एवं उत्थापन के पश्चात शंख झालर घंटानाद के साथ श्री ठाकुर जी हिंडोलने में विराजते हैं। श्री जी मंदिर में हिंडोलने में श्री मदन मोहन जी एवं श्री ब्राल कृष्ण लाल जी झूलते हैं। श्री जी मंदिर में श्री मदन मोहन जी भोग के समय हिंडोलना में विराजित होकर झूलते हैं जबकि अन्य सभी मंदिरों में ठाकुर जी को संध्या आरती पश्चात हिंडोलना में झुलाया जाता है। राग सेवा के तहत हिंडोलना अधिवासन के समय आज राग धनाश्री में रोप्यो हिंडोरो नंद ग्रह मुहूर्त शुभ घड़ी देख कीर्तन का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। जय श्री कृष्ण।
अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं।
गजराजे कुंवर को नयनन निराय निकाल बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।
दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साय एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।